कनाडा में हाल ही में एक रिसर्च किया गया है जिसके अंदर 100 पॉजिटिव पेशेंट्स को सैनिटाइज नाम का एक नेसल स्प्रे दिया गया और इसके अंदर मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो ये इन सब लोगों ने जब अपने नाक के अंदर स्प्रे किया तो ये 100 के 100 पॉजिटिव पेशेंट्स अगले 5 से 6 दिनों में नेगेटिव हुए। इनमें से किसी को भी अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आई और ना ही किसी को ऑक्सीजन सपोर्ट देने की नौबत आई। तो अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमको इस महामारी से बचा सकता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसी तो कोई गैस है नहीं कि जो बहुत मुश्किल है इसको प्राप्त करना, ये लगातार हर वक्त हमारे शरीर में बन रही होती है। हम जब भी नाक से सांस ले रहे होते उस समय थोड़े थोड़े प्रमाण में नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमारे शरीर में बन रहा होता है। लेकिन ये हम जो कुछ भी खा रहे हैं आज के समय में, बहुत ज़्यादा ख़राब ख़राब चीज़ें खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, बेक्ड चीज़ें खा रहे हैं, इनके अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये तुरंत बने हुए नाइट्रिक ऑक्साइड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इससे नाइट्राइड बन जाता है और तुरंत वो नाइट्राइड हमारे शरीर से निकल जाते हैं बाहर। तो अब हम ऐसा क्या करें कि जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बने शरीर के अंदर? तो इसमें हरी सब्जियाँ है, हर तरीके की हरी सब्जियाँ, जैसे पालक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है पालक में। पालक है या मेथी है या अरुगुला है, ऐसी कई सारी हरी सब्जियां हैं जो आप खा सकते हो। इसके अलावा कलर्ड सब्जियों में से गाजर है और बीट रूट है, इनमें भी बहुत ज़्यादा प्रमाण में नाइट्रिक ऑक्साइड है। लहसुन है, प्याज है, इनमें भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है। इसके अलावा कुछ फल है जैसे कि नींबू है या फिर संतरे है, मौसम भी है, इनमें भी जो भी साइट्रस फ्रूट्स है इनके अंदर भी बहुत अधिक मात्रा के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। तरबूज भी होते हैं। तो इन सब के अलावा कुछ बीज है जैसे खरबूज के बीज है या फिर तुलसी के बीज है, सब्जा है, कलौंजी है, ऐसे कई सारे बीज है, इनमें भी काफ़ी अधिक मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। इन सब बीजों के अलावा काकाओ पाउडर या फिर जिसको डार्क चॉकलेट भी हम कहते हैं, अभी गवर्नमेंट द्वारा भी इसको बताया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डार्क चॉकलेट खाओ तो मन खुश रहेगा और हमेशा आपको, मतलब जो भी ब्लड प्रेशर की जिनको तकलीफ़ है तो उसमें भी इसमें फ़ायदा होता है। डार्क चॉकलेट खाने से बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है और डार्क चॉकलेट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं तो उस नाइट्रिक ऑक्साइड को काफ़ी समय तक बनाए भी रखते हैं हमारे शरीर के अंदर। इसके अलावा अलसी भी एक ऐसा खाद्य पदार्थ है कि जिसको खाने से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। बताया गया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है अलसी के अंदर और इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर जो भी नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे तैयार हो रहा है उसको बचा के रखते हैं। तो अलसी को भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए और अलसी के अलावा सब्जा जो है, तुलसी के बीज जो है, इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। पानी में भिगो दिया, पानी में भिगोने के बाद में थोड़ी देर 10-15 मिनट उसको फूलने दिया और उसके बाद में आप पी गए उसको, तो ये भी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी बड़ी मात्रा में तैयार करते हैं। फल, सब्जियां, बीज और रॉ काकाओ के अलावा कुछ ऐसे भी प्राणायाम हैं, सांसों की कुछ ऐसी कसरतें हैं कि जिससे भी शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत आसानी से बनता है, जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम है और ओमकार है, इन दोनों भी प्राणायाम में हमिंग जो हम करते हैं तो उसके वजह से पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम जो है, हमारी पूरे जो श्वास का जो पूरा सिस्टम जो शरीर में है उसमें एक प्रकार से घर्षण तैयार होता है और उस घर्षण में हल्की सी मात्रा में बिजली बनती है और वो बिजली जब शरीर में तैयार होती है तो उसके जरिए नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। तो आप भ्रामरी प्राणायाम कैसे करें, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है कि ये शरीर में 15 गुना अधिक, मतलब आप अगर सिर्फ 8 मिनट के लिए अगर भ्रामरी प्राणायाम करोगे तो लगभग लगभग 1.5 घंटे में जितना नाइट्रिक ऑक्साइड शरीर के अंदर तैयार होता है नॉर्मली, उसके उतना ही नाइट्रिक ऑक्साइड बस 8 मिनट के अंदर हो जाता है। तो 8 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, साइनस के 6 पॉइंट्स बंद कर देना है इस तरीके से, नाक के बगल में जहाँ पे नाक हमारी शुरू हो रही है उसके साइड में, नाक को दबाना नहीं है, नाक के साइड में, नाक की हड्डी जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पे 2 पॉइंट्स है, आँखों के बीच में यहाँ पे जो है वहाँ पे 2 पॉइंट्स है और जहाँ से हमारे आईब्रो शुरू हो रहे वो, इनमें से नीचे के 6 पॉइंट जो है इनको बहुत हल्के से हाथ रखना है लेकिन ऊपर के पॉइंट को आप दबा सकते हो, ये जो पॉइंट है इसको दबा सकते हो। कान के अंदर की ये जो यहाँ पे एक्सटेंशन है इसको अंदर दबा देना है इस तरीके से और सांसों को अंदर भरना है अच्छे से पूरी तरीके से और हमिंग करना है अब। तो
ऐसे 40-50 सेकंड, 60 सेकंड जितनी देर भी आपकी कैपेसिटी है फेफड़ों में, जब तक हवा है धीरे धीरे आपको हमिंग कर रहा है, फिर से सांसों को अंदर भर लिया, फिर से हमिंग किया, फिर से सांसों को अंदर भर लिया, फिर से भ्रामरी प्राणायाम किया, ऐसे 8 बार इसको कर लो, लगभग 8 मिनट लगेंगे। इस अगर आप इस वक्त पॉजिटिव हो तो दोपहर को और शाम को भी एक बार भ्रामरी प्राणायाम कर लो। खाना खा के कम से कम 1 घंटा हुआ रहना चाहिए, तो खाना खाने के 2 घंटे बाद में या खाना खाने से कुछ समय पहले भ्रामरी प्राणायाम कर लो, ओमकार कर लो। एक जगह पर बैठ गए, ओम, आंखें बंद कर ली और इस तरीके से करते रहे। हमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, लंबी सांस। इसके में होता क्या है कि भ्रामरी और ओमकार, एक तो पहली बात तो आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ाते चले जाते हैं। आप लगातार 1 महीना 2 महीना करोगे तो आपकी कैपेसिटी 50 सेकंड से 60, 60 से 70, 70 से 80, फेफड़े मजबूत हो गए। इसके अलावा कोई भी शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, और उसके साथ साथ आपको अगर रात को नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, दिल कमज़ोर है, ये सारी बीमारियाँ दूर हो जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, खून को पतला करता है, उसके वजह से बॉडी के अंदर कहीं पे भी ब्रेन क्लॉट अगर है मान लो, तो ब्रेन क्लॉट भी आपके बनते नहीं हैं, आपके ब्रेन में कभी भी क्लॉट नहीं बनेगा। ऐसी दर्जनों बीमारियां हैं जो सिर्फ भ्रामरी और ओमकार करने से ही चली जाती है। और इसके साथ साथ आप अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम भी साथ में इसके कर सकते हो, उससे भी शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और दोनों भी ब्रेन के अंदर सिंक्रोनाइजेशन बनता है, बहुत शांति महसूस होती है। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से काफ़ी ज़्यादा आपको शांति महसूस होगी, तो इसको करते रहिए और आपका फीडबैक मेरे साथ में शेयर कीजिएगा।